हमारे सहयोगी कपिल सिब्बल जी ने प्रेस से बातचीत की थी और एक खुलासा किया था कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के सुपुत्र जय शाह की कंपनी ने किस तरह अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग लोगों से, संस्थाओं से कर्जे लिए और बहुत बड़ी मुनाफाखोरी एक बरस के अंदर की। जाहिर है कुछ सवाल उठते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी अपनी पारदर्शिता, सफाई, भ्रष्टाचार विरोधी नीतियाँ, कालाधन से लड़ाई, ये रोज दावे प्रधानमंत्री अमित शाह जी और उनके तमाम बड़े मंत्री करते हैं। प्रश्न ये है कि जिस कंपनी को 2013-14 में नुकसान हुआ हो और 14-15 में वो मुनाफे में गई हो 18,728 करोड़ रुपए के, जब पूरा उनका टर्नओवर 50,000 रुपए था, उससे पहले का ब्यौरा आपके पास है, ना कोई बड़ा टर्नओवर था ना कोई बड़ा नुकसान था, तो 18,000 रुपए कमा के 50,000 के टर्नओवर से अगले बरस एकदम से 80,50,00,000 का टर्नओवर टेंपल एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड का। उसमें उनको कर्जे भी मिले 15 करोड़ से ऊपर राजेश खंडवाला की फाइनेंशियल कंपनी से, तो 16,000 गुना टर्नओवर बढ़ना उद्योग जगत के इतिहास में पहला ही कोई कंपनी होगी भारत में। और इसकी जानकारी मिलनी चाहिए कि कैसे और ऐसे प्रतिभाशाली उद्यमी हैं जो उद्योग जगत में हैं, कारोबार जगत में हैं, जो एक साल के अंदर 16,000 गुना आमदनी बढ़ा लें और उस आमदनी में कई तरह से पैसे आए। जो कंपनी केवल स्टॉक और शेयर्स में कारोबार करती है, अनसिक्योर्ड कर्जा लेती है, उसका इस टर्नओवर में 80,50,00,000 में 51 करोड़ फॉरेन अर्निंग्स है, बाहर से जो कमाई हुई, वो कौन सी कमाई थी? 51 करोड़, जब जिस कंपनी ने उससे पहले शून्य आमदनी की हो बाहर के मुल्कों से, बाहर के देशों से, एक ही बार में एकदम से 51 करोड़ बाहर से कारोबार का कैसे आया? कौन सा ऐसा कारोबार था और कौन सी ऐसी सोच, समझ, बिजनेस मॉडल था जो पहले इनके पास नहीं था, वो अचानक आया? कोई इतनी बड़ी, कोई इसका खुलासा होना चाहिए। देश में लोग संघर्ष कर रहे हैं, स्टार्टअप्स में संघर्ष कर रहे हैं, कर्जे नहीं मिल रहे, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। अगर इतनी योग्यता घर के अंदर है भारतीय जनता पार्टी जी के, तो कृपा करके ये बिजनेस मॉडल भारत के नौजवान जो एंटरप्रेन्योर हैं, उद्यमी हैं, उनको ज़रा बता दें कि इस तरह से ये होता है, तो सारे देश में लोगों की तकलीफ दूर हो जाएगी। जो आज नौजवान हताश है, शायद उसको कोई सूरज की किरण दिखेगी कि इस तरह से काम करो तो इतना पैसा भी बन जाएगा और नौकरी की कोई ज़रूरत ना पड़े। भारतीय जनता पार्टी का इसमें आपत्ति करना अजीब बात है। पिछले कल मंत्री पीयूष गोयल जी ने पत्रकार सम्मेलन किया, वो सरकार के मंत्री हैं या जय शाह के प्रवक्ता हैं, ये स्पष्ट होना चाहिए।
भारत सरकार के मंत्री उनकी तनख्वाह सरकार देती है, टेंपल एंटरप्राइजेस नहीं देती। और ये मंत्री थे उस विभाग के जिसने इनकी एक दूसरी कंपनी कुसुम फिनसर्व, जिसमें 60% हिस्सा जे शाह का है, और उस कंपनी में भी लगभग 5 करोड़ का अनसिक्योर्ड कर्जा लिया हुआ है, उसका भी कारोबार ट्रेडिंग इन स्टॉक्स का था, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइलिंग है। अचानक वो रिन्यूएबल एनर्जी में चले गए, वो भी रतलाम मध्य प्रदेश में, जहां बीजेपी की सरकार है। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, कहीं भी जाके लगाएं भारतवर्ष में, पर उसके लिए जहां कंपनी का जो बिजनेस है वो स्टॉक और शेयर्स में है, उसको इरडा 10 करोड़ 35 लाख रुपए कर्जा देती है। ये सूची आज सरकार जारी करे कि इरडा ने कितने ऐसे एंटरप्रेन्योर उसको उद्यमों को, जिन्होंने के पहले कभी काम ना किया और कंपनी दूसरा व्यापार करती हो, व्यवसाय करती हो, उनको कर्जे दिए 10 करोड़। ये सूची जारी होनी चाहिए, क्योंकि कल ये कहा गया कि क्या गलत बात है अगर एक स्टार्टअप कंपनी, स्टार्टअप कंपनी तो है नहीं, ये गलत बयानी कल की गई केंद्र के मंत्री के द्वारा। आप जो रजिस्ट्रार कंपनीज के पास फाइलिंग है उसमें आप कहते हैं कि ट्रेडिंग इन स्टॉक्स है, और सरकार के मंत्री कहते हैं स्टार्टअप कंपनी, इसलिए इरडा ने ये 10 करोड़ 35 लाख रुपया दिया। और तीसरी बात जो कल कही गई पर दोहराना जरूरी है, कालूपुर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक गुजरात में है, उसने 25 करोड़ रुपए का कर्जा दिया इसी कंपनी को कुसुम फिनसर्व, जो इनके परिवार की कंपनी है, और 25 करोड़ के कर्जे के लिए 6 करोड़ 20 लाख का कोलेट्रल दिया गया दो संपत्तियों को गिरवी रखकर। जाहिर है ये कहेंगे कि हमने संपत्ति गिरवी रख के हमने कर्जा लिया तो क्यों इसकी आलोचना होती है, क्यों सवाल उठता है? सवाल इसलिए उठता है कि रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस हैं बैंकों को, फाइनेंशियल सर्विसेज को, कोऑपरेटिव बैंक्स को, वो अनुमति नहीं देते कि अगर कोलेट्रल बराबरी का ना हो, कोलेट्रल ज़्यादा हो तो ठीक है, पर 1/4 कोलेट्रल पे आप 25 करोड़ का कर्जा नहीं दे सकते। ये अपने आप में RBI का और कानून का उल्लंघन होता है। पर एक संपत्ति तो इनकी अपनी थी, अमित शाह जी की का कंपनी, उन्होंने संपत्ति गिरवी रखाई, इस पे किसी को कोई आपत्ति कोई कष्ट नहीं है। दूसरी जो संपत्ति जिसका कोलेट्रल दिया गया जमानत के रूप में, उसकी मलकियत यशपाल चुदासमा की है। अभी यशपाल चुदासमा, इनका नाम सार्वजनिक रूप में तब जाना गया और थोड़ी जो इनकी जान पहचान हिंदुस्तान के अखबारों से हुई, लोगों से हुई कि कौन व्यक्ति हैं, क्योंकि ये श्री अमित शाह जी के साथ सह अभियुक्त थे, को एक्यूज्ड थे फॉल्स एनकाउंटर्स और अबुद्दीन के केस में, जिसमें अमित शाह जी भरी हुए, को एक्यूज दोनों थे। तो कहीं ना कहीं तो रिश्ता अच्छा है कि बेटे को कर्जा लेना है वो भी कोऑपरेटिव बैंक से, एक संपत्ति अमित शाह जी की कोलेट्रल में रखी जाए, दूसरी संपत्ति यशपाल चुदासमा जी की रखी जाए। तो ये सवाल उठाए गए हैं कल से, इन सवालों का जवाब चाहिए हमको, ये देश की जनता को पता होना चाहिए कि वो कौन सा कारोबार हुआ था, कौन सी कमोडिटीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ था, किस किस देश में हुआ था, किस देश से कितना पैसा आया, कितना जो रिजर्व बैंक को इन्होंने घोषित किया फॉरेन एक्सचेंज, कितना उस पर टैक्स लगा, और अगर 51 करोड़ रुपए की आमदनी बाहर से भी हो गई और इतना अच्छा कर्जा भी मिल गया, फिर अचानक एकदम से पिछले साल अक्टूबर में
कंपनी बंद कर दी कि सब 1,40,00,000 का घाटा हो गया, समझ में नहीं आई बात। एक तरफ तो इतना अच्छी कुशाग्र बुद्धि कि 16,000 गुना टर्नओवर बढ़ जाए, 51 करोड़ बाहर से आ जाए, और फिर कंपनी एकदम से बंद कर दी नोटबंदी से 4 हफ्ते पहले। ये खुलासा होना चाहिए सारी बातों का, कहां गया जो बाहर का पैसा था। ये किसी भी सोच समझने वाले व्यक्ति के लिए हैरत की बात होगी। ये कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। वो कहें कि पुत्र को अधिकार है कारोबार करने का, हम कहते पूर्ण अधिकार है, पर अगर कारोबार में एक इतनी बड़ी उछाल पिता के प्रभावशाली पद पर आने के बाद हो और सरकार की तरफ से कर्जे हों, बैंकों की तरफ से कर्जे हों, तो सवालिया निशान तो खड़े होंगे। भारतीय जनता पार्टी को जरा अपनी स्मरण शक्ति में देखना चाहिए, याद करना चाहिए कि इन्होंने क्या क्या सवाल उठाए थे। अगर उनको अधिकार सवाल उठाने का रहा है, आज के प्रतिपक्ष को और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हमारा ये दायित्व बनता है ये सवाल उठाने का देश की जनता की तरफ से, ताकि ये सारी बात का खुलासा हो। अगर कोई गलत बात नहीं है ठीक है, अगर कहीं कोई गलती त्रुटि हुई है वो भी सामने आ जाए, पर ये नहीं कह सकते कि ये प्रश्न उठाया नहीं जाएगा। पहले अगर कभी सवाल उठे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षों पर, माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी सम्मानित हैं, जैन हवाला डायरी के समय सवाल उठाया गया, उन्होंने त्यागपत्र तुरंत दे दिया, संसद से भी दे दिया। बंगारू लक्ष्मण जी इनके अध्यक्ष थे, दुर्भाग्यपूर्ण कैमरे पे पैसा लेते हुए फोटो खींच गई, उनको जाना पड़ा, मुकदमा चला। नितिन गडकरी जी उनकी कंपनियों के बारे में सवाल उठे थे, कोई मुकदमा नहीं चला था, उन्होंने तुरंत त्यागपत्र दे दिया था। गडकरी अभी इनकी मंत्रालय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री हैं। हमारी ये मांग है प्रधानमंत्री से, बहुत ज़्यादा बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, रोज़ बोलते हैं, हर विषय पे बोलते हैं, इस विषय पे अपनी चुप्पी तोड़ दे आज, और एक जांच आयोग का ऐलान कर दे, निष्पक्ष जांच हो, और जांच की अवधि के समय तक, ताकि जांच प्रभावित ना हो, अमित शाह जी अपने पद से हट जाए। वो पद पर बने रहें और जांच हो वो संभव नहीं है, पद से हटने के बाद ही सही जांच होगी। वी वॉन्ट टू मेक इट एब्सोल्यूटली क्लियर दैट द बीजेपी, द प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स पार्टी प्रेसिडेंट हैव ऑलवेज हैप्पीली एम्ब्रेस्ड हिपोक्रेसी, डबल स्टैंडर्ड्स एंड डबल स्पीक। वैलिड क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड अबाउट विंडफॉल gains and income increase in the private company owned by Jay Shah, Temple Enterprises Private Limited, which was running in loss in 2013-14. Chhattisgarh ke mukhyamantri ke putra ka naam hai usme. Kya unko notice gaya? Koi FIR hui? Kyun nahi hui? Srijan scam? Aur uske ilawa एक लंबी सूची हम आपको दे देंगे, और ये सूची बढ़ती जा रही है। तो पहले जो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी हर छोटी सी बात पर जांच की मांग करती थी, कार्रवाई की मांग करती थी, इस्तीफे की मांग करती थी, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में
इतने गंभीर आरोप इनके वरिष्ठ नेताओं पर, मुख्यमंत्रियों पर, क्यों इन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, क्यों त्यागपत्र नहीं दिए? इसीलिए हमने कहा कि इनके दोहरे मापदंड हैं, दोहरे पैमाने हैं, दोहरी भाषा है, जबान दोहरी है। एक पैमाना, एक मापदंड इनके विरोधियों के लिए ये रखते हैं और अपने लिए वो मापदंड अलग है, और वो मापदंड है जो मर्जी करो, मैं बोलता रहूंगा आप करते रहो। तो यही मुझे आज इस विषय पे कहना था। जी मैं उस पर नहीं, इन्होंने तो हर चीज पे कहा था, कौन सा नहीं था। जब हमारी सरकार थी उस समय जो इन्होंने हर विषय में जो भी कोई बात आती थी सामने, उस समय की सरकार ने तो जांच कराई। प्रधानमंत्री हमारे ऐसे थे सज्जन व्यक्ति कि अगर कहीं सवाल भी उठाया गया चाहे गलत था, अगर कोई बात सामने आती है इसके ये मालूम नहीं माने नहीं कि कोई व्यक्ति दोषी है या आरोपी है, वो तो अदालत तय करती है। पर अगर ये सवाल उठाया गया और विपक्ष ने मांग करी, हमारी सरकार ने पारदर्शिता को और ऊंचे सिद्धांतों को सामने रखते हुए मंत्रियों से आग्रह किया कि आप त्यागपत्र दे दें। हालांकि कोई मंत्री उसमें कोई आरोपित नहीं रहा, कोई जो कांग्रेस का कोई ऐसा मंत्री नहीं जिस पे आज भी 3.5 साल हो गए हैं जब कोई ऐसी बात हो कि उन्होंने कोई गलत काम किया था। तो ये त्यागपत्र क्यों नहीं कराते, हमारे तो सीधी छोटी बात है। इनके यहाँ परंपरा ये है कि चोरी करो और जांच ना करो, त्यागपत्र भी ना दो, निर्लज्जता से बैठे रहो, ये परंपरा है इनकी। नहीं, इस्तीफा नहीं, उनको हट जाना चाहिए। जो अडवाणी जी ने किया, गडकरी जी ने किया, तो इनको भी करना चाहिए, या इन पे नया मापदंड है जो अडवाणी जी और गडकरी जी पर, बंगारू लक्ष्मण पर था, मैं पर अडवाणी जी और गडकरी जी की करता हूँ। गडकरी जी की तो अभी की हालात में ताज़ी मिसाल है ना, गडकरी जी से सलाह मशवरा करें जाके, वो उनको बताएंगे कि कैसे लिखा जाता है त्यागपत्र। नहीं, हमने पार्टी के अध्यक्ष हैं, सत्ताधारी दल के, वो सरकार चलाते हैं, देश चलाते हैं, देश को सारा उपदेश में देते हैं प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, तो इसलिए ये अनुसरण करें जो उनकी परंपरा है बीजेपी की, कि अगर अध्यक्ष के बारे में इस तरह की कहीं कोई बातचीत आ जाए, कोई गडकरी जी का भी अपना तो नहीं था ना, कोई कंपनी थी, कोई परिवार के सदस्य थे, कोई कर्मचारी थे, तो जब अगर वही भारतीय जनता पार्टी गडकरी जी को हटा सकती है, गडकरी जी पर कोई आरोप नहीं है, कोई उन पर मुकदमा नहीं चला, मैं स्पष्ट कर दूँ, पर उन्होंने एक बात को सामने रखते हुए कि अगर ये मर्यादा की बात है, प्रश्न उठ गया है, तो अध्यक्ष पद पर ना रहूँ। हम उनसे मांग नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि भैया एक ही दल में है ना, गडकरी जी उसी पार्टी में, अडवाणी जी भी उसी पार्टी में है। इज पीयूष गोयल बिजनेस मैनेजर ऑफ जय शाह? इज ही इज डिफेंस काउंसिल एंड अ स्पोक्समैन और अ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? दैट वुड बी माई क्वेश्चन। वाई मिस्टर पीयूष गोयल हैज टू ऑल दीज डिटेल्स ऑफ हिज बिजनेस व्हेन हिज ओन मिनिस्ट्री हैड सैंक्शन्ड दिस लोन? It's a bona fide question now. He knows everything, what was in the godowns also, what was given as collaterals. So what we are saying, please come out. And equally surprising it is, last evening's statement, normally I don't comment, but an additional solicitor general, additional solicitor general of the government of India says that he has been approached and he will, of course it's his right as a lawyer, to take permission from the government. But they say the permission was sought for and given on the 6th. Now, this wire story came out now. So in anticipation, the additional Solicitor General of the Government of India applies for permission from the Government of India to represent a private entity, there's this temple Enterprises Private Limited and Shri Jay Shah, son of Shri Amit Shah, in this case. And the permission is granted on the 6th of October. Kindly release when it was applied for and when the permission was given.
This means the government was in the know. And they were preparing their counters and their defense. They have every right to do so. So the minister had checked all the account books. He has come out with a statement. And I repeat again that he is the same minister who had made that astounding statement insulting the unemployed youth of the country, that it's a very good sign that the people are losing jobs. So you have to now judge these people. So what are you saying about this additional solicitor general situation? Shah Mehta, on the 6th of October, he had sought permission. Before this issue, what is the Congress's official point of listen, view on this? My question is that we are actually flummoxed, that this issue has not come in public domain, no questions have been raised, no allegations have been leveled. Questions were raised, sir. That's what they had sought permission. No, I'm talking of. This means that if questions were raised, giving advice is a different thing. To seek permission from the government of India to represent before the publication of this theory. So you are already applying for permission and given permission to file cases against the journalists. Its timing is important. Let them explain when it was published and when this permission was given. Then you can put two and two together, whether it was well before or whether it's just coincidence. Just to be the devil's advocate, I have asked a question. That's all. I'm playing the devil's advocate. I'm not kidding. That at the end of the day, this is Amit Shah's son you're talking about. And any news article can be perceived, at least, at the very least. Correct. As somebody is directing it towards the government. And therefore, the government's lawyer can be brought no, in. No, I don't. I don't think so. Government's lawyers have never been brought in. Even, unfortunately, when there were some questions raised or loose allegations made against some ministers in the past, the government advocates, that's the Attorney General, the Solicitor General, and the Additional Solicitor General, never moved in. Give me one instance where they sought permission and where they defended. These were the people who were in the government. BJP mein kafi log sawal karte hain, Yashwant Sinha ji aur apne Arun Shori ji, to unke sawal bahut uth rahe hain. I have to make one quick statement or a response to Finance Minister Arun Jaitley's unsolicited advice to the Indian National Congress that we should select our leader looking at the capability and potential. Well, we as a party take our conscious, considered decisions about our leader. We have never been prescriptive to the BJP, whom they have chosen in the past and the present incumbent as their president. But my query would be, was Shri Amit Shah chosen by the BJP as party president for his image, intellect, integrity, and humane values? क्षमता के आधार पर कांग्रेस को सुझाव दिया गया वित्त मंत्री के द्वारा कि योग्यता देखें, क्षमता देखें अपना नेतृत्व तय करने में. पहले तो अरुण जेटली ने अभी मंत्री या मोदी जी के सरकार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो इसमें शामिल नहीं हुए, वहीं हैं. यहाँ शामिल हों तो ये बताएं कि हमको क्या करना है पार्टी के अंदर. हमने अपनी तरफ से कभी नसीहत नहीं दी. वो दूसरा दल है जिसको भी चुने, चाहे उन्होंने गडकरी जी बनाए थे, चाहे बंगारू लक्ष्मण बनाए थे, अब अमित शाह जी हैं. पर यही मैंने कहा कि उनके मापदंड क्या थे तय करने में, इनको बनाने में. क्या वो छवि थी, बुद्धिमत्ता थी,
ईमानदारी थी और इंसानियत से जुड़े ऊंचे उसूल या आधार थे, यही प्रश्न। आनंद जी, अभी तक नीतीश कुमार को इसकी जानकारी बोलना चाहिए, बनारस का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, अभी पहले वहाँ पे बनारस गए थे तो बच्चों के साथ क्या हुआ, छात्रों के साथ सबको मालूम है। विश्वविद्यालय ये पुराने हैं, ऐतिहासिक हैं और इनकी आधारशिला जब रखी गई थी, किन लोगों ने रखी थी, शिक्षा के प्रसार के लिए, और दोनों विश्वविद्यालयों का अपना महत्वपूर्ण योगदान है और भारत का संविधान भी अनुमति देता है शिक्षा में, अगर आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको भारत के संविधान भी अनुमति देता है। तो इस तरह की सिफारिशें अगर आ रही हैं, कहीं ना कहीं सोच है सरकार से जुड़े लोगों की, इसलिए प्रधानमंत्री ये स्पष्ट कर दें, बनारस वालों को बता दें कि भाई अब हम ये नाम नहीं रखेंगे और संसद को आके बताएं कि क्यों नहीं रखेंगे। अभी तो ये सिफारिश है, इस पर हम क्या कह सकते हैं। जावड़ेकर जी बोले, डिड द कांग्रेस पार्टी टिंकर विद दीज यूनिवर्सिटीज, इट्स अ स्ट्रेंज क्वेश्चन, वी वर इन गवर्नमेंट फॉर ओवर 65 ईयर्स, डिड वी